नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। पूरा पहाड़ इस समय नंदा देवी के रंग में रंगा हुआ है। रूरल टेल्स की जो स्टोरीज़ की जो शुभारंभ हुआ था, जो आगाज हुआ था, उर्गम वैली में हुआ था और 1,00,000 सब्सक्राइबर पर भी हम दोबारा इसी वैली में आए। पंच केदार की ये भूमि है जो इस समय यहाँ से हर साल नंदा अष्टमी पर, फूला नारायण पर, आसपास की तमाम गाँव की छतोलियाँ पहुँचती हैं। तो हम भी भरकी से आगे बढ़ते हुए जो है फूला नारायण बढ़ रहे हैं। हम लोग पिलखी से फूला नारायण की तरह बढ़ रहे हैं। पिलखी से हम लोग फूला नारायण जा रहे हैं। बीच में भेटा गांव पड़ा, इसके बाद भिकी गांव है और सुबह से लगातार बारिश हो रही है। सुबह से जो है इसकी पूरी तैयारी, घर में छतोली बना के पूरे, और उर्म घाटी में दो जगह ये जात जाती है। सबसे पहले घंटाकरण में इकट्ठा होकर वो जात वहाँ जाती है बंसीनारायण, और हमारे यहाँ पंचनाम देवता के चौक में बड़की पूरे डुम से लेकर उर्गम से लेकर एक एक छतोली वाले हमारे बड़की माँ आते हैं, और यहाँ से हमारे जो है जो बारी है वो पूरी छतोली के साथ सज्जत के साथ वो चुपता में आते हैं भर की मंदिर में, और वहाँ पर से जो है पूरे जागर बेता के साथ, जागर गायन के साथ जो है वहाँ पर तैयारी की जाती है, और वहाँ से जो है छतोली फूला नारायण को प्रस्थान करती है। महिलाएं, मैं देख रहा था जितने लोग जा रहे थे सबको टीका लगा रही थी। तो ये एक हमारे रिवाज, पौराणिक रिवाज है, वो घर से दूध और चावल लेकर आती हैं और जितने लोग यात्री हैं उन पर वो दूध चावल का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में वो दूध चावल देती हैं। जाति को सामने
स्वर्णम नंदा की जो जात है वो यहाँ पहुँच गई है और पूरे मंदिर जो फुलानंद मंदिर है वहाँ पर रात भर जागर लगेंगे, आज लग भी रहे हैं। इस समय लगभग 10 बजे का समय है, थक काफ़ी गए हैं तो आराम करते हैं और अगली सुबह पूरी फुलानंद की जो स्टोरी है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शायद ही भारत में कोई ऐसा मंदिर होगा जहाँ पर कोई महिला भगवान नारायण का श्रृंगार करती है। तो इसके पीछे वजह क्या है और एक दो कहानियाँ और हैं जो आपको जब आप सुनेंगे तो आपको भी काफ़ी मतलब जो हम कहते हैं कि देवभूमि, तो देवभूमि क्यों कहते हैं वो यहाँ आकर पता लगता है। मिलते हैं अगली सुबह। कितना टाइम लगेगा इसको? एक घंटा? एक दो घंटा। कहानी यही है, यहाँ सावन संक्रांति को पट खुलता और अष्टमी नवमी को जब जैसे कभी जल्दी आ जाता तो कभी लेट से आ जाता, नवमी को यहाँ पट बंद हो जाता। और मूर्ति किस रूप में है भगवान की? नारायण की। नारायण की मूर्ति विष्णु रूप में है, विष्णु भगवान के रूप में। मूर्ति भी काफ़ी प्राचीन है। हाँ पुरानी है काफ़ी। अच्छा मैं देख रहा हूँ यहाँ गाय भी हैं और बाघ भी इधर ही कहीं रहता है लेकिन नुकसान नहीं पहुँचा। नुकसान नहीं करता, साथ ही वो करते, वो बाघ भी और गाय भी साथ ही चढ़ते, वो नुकसान कुछ नहीं करते। कुछ कार्य बिगड़ गया गलती से, कुछ हो गया तो तभी नुकसान करते, वैसे नुकसान नहीं करते, तभी नुकसान नहीं करते। और यहाँ के खेतों में जो आलू है, भालू इधर यहाँ नहीं आता मंदिर पर? ना बिल्कुल नहीं आता, यहाँ आता ही नहीं। और इस समय हम फुलानंद जगह पे हैं, एक ऐसा मंदिर है जो अपनी विशिष्ट चीज़ों के लिए जाना जाता है। महिला यहाँ पर जो है वो पुजारी के रूप में ही होती है, पुजारी के साथ साथ महिला भी रहती है। और जितनी भगवान नारायण की यानी भगवान विष्णु की जो पूजा होती है उसमें जो फूल तोड़ने का काम होता है वो महिला करती है, फूल लाना, फूलों से फिर माला बनाना और श्रृंगार में जो मुख्य पुजारी होते हैं उनकी मदद करना। तो ये पूरी फुलवारी है जहाँ पर जहाँ से फूल महिला लाती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर गायें भी रहती हैं और बाघ भी रहता है साथ साथ, लेकिन कभी बाघ जो है यानी जो गुलदार है वो अटैक नहीं करता गायों पे, तमाम गायें हैं। और बारी लगती है यहाँ पर, तो जो गाँव है उस गाँव से हर साल एक परिवार की बारी लगती है, वो परिवार ऊपर आता है अपने जानवरों को भी लेके यहाँ पर पहुँचता है और कोई नुकसान उस उन जानवरों को नहीं होता गुलदार का। और जंगली जानवर जो यहाँ पर आलू बोए जाते हैं खेत में या आलू हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। पूरा पहाड़ इस समय नंदा में है और गढ़वाल और कुमाऊँ की नंदा देवी अधिष्ठाती देवी है। अलग अलग गाँवों की यात्राएँ बुग्यालों तक जाती हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना करती हैं और फिर वापस आती हैं। कुरूर से दो डोली निकलती हैं, इसी तरीके से जो उर्गम घाटी है यहाँ पर भी दो जा जलती हैं, एक बंसी नारायण और दूसरा फुलानंद होते हुए भनाई बुग्याल।
तो हमारे साथ लक्ष्मण जी हैं जो पूरी इस इलाके की उर्गम की कहानी को आपके बीच में बताएंगे। लक्ष्मण जी, हाँ जी, इस जात वैसे ही है जैसे सभी इलाकों में? जी जी जी। इसकी क्या खासियत है? जो हमारे कल्प क्षेत्र है, जो विशेष करके उर्गम घाटी में जो जात का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में बाहर जैसे जो है कि जैसे आपने क्रूड़ बताया या दूसरी जगह को बताया, वहाँ नंदा को छोड़ने की बात होती है, परंतु हम लोग नंदा को बुलाने की बात करते हैं। माने आज हम लोग जितने भी जो है छतोली लेके गए थे, तो वो हम लोगों ने जो है कि जागरों के माध्यम से भगवती का आह्वान किया कि हम मायके में तुम्हारा जो है एक बड़ा मेला करने वाले हैं, बड़ा कार्य करने वाले हैं, तो तुम जो है कि गाँव में आना है तुमको। तो इसलिए जो है हम लोग जो है, हम लोगों के यहाँ से दो तरह की छतोली जाती है, एक उर्गम से जाती है, उर्गम घंटाकरण मंदिर से जो है उर्गम क्षेत्र की जाती है, और पल्ला जखोला किमाड़ा कलगोड़ की छतोली भी बंसीनाड़ जाती है। तो उर्गम थात को उर्गम थात बोलते हैं और उसको पंचगेम बोलते हैं, वो एक साथ जात करते हैं मैनवा खाल नाम की जगह पर। ऐसी एक मान्यता है कि जो दो घाटी उर्गम है, इसमें दो पार्ट है, एक भरकी बेटा और गुणा उसी है, और एक उर्गम के जो अन्य गांव हैं। तो नंदा को बुला करके उर्गम वाले लाते हैं, और सोनूल को बुला करके हम भरकी बेटा या जो पल्ला जो खोला के और जो डुमक के जो यात्री हैं, जो यात्री हैं छतुल्ली का, वो बुला के लाते हैं। परंतु उर्गम में कोई मेला नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है कि वहाँ चैत्र मास में जो है कि जब वहाँ 9 दिन का शिवपार्वती मेला लगता है, तो चतुर्दशी और पूर्णमासी को जो है ऐसी मान्यता है कि भगवती को कैलाश भेज देते हैं हम लोग, और इस समय हम भगवती को मायके बुलाते हैं। तो ये हम लोगों का मुख्य ये है। आज जो है जैसे हम आज सुबह आपने देखा कि हम लोग फ्यूला नारायण से हम लोग जो है रोकनी गए, भनाई में हमने जो है कि जागरों के माध्यम से भगवती के कपाट खोले। वैसे ही उर्गम के जो लोग मेनवा खाल में गए होंगे, तो उन्होंने नंदी कुंड में जो नंदा का मंदिर है उसका आह्वान किया होगा। यहाँ तो सोनूल देवी का आह्वान हुआ, वहाँ नंदा देवी का आह्वान हुआ। और ऐसी मान्यता है कि जो हमारा जो मेनवा खाल के पास से ही जो है जो एक रास्ता ऊपर कटता है और वो रोकनी बुग्याल के पास पहुँचता है, दोनों बहनों का वहाँ मिलन होता है, और ये दोनों बहनें आज एक प्रकार से हम जो छतोली में लेके मानी कंडी में लेके आए, तो दोनों बहनें आज जो है फ्यूलानार में पहुंच चुकी हैं, और कल जो है फिर यहां से यात्रा जो है नीचे जो है भरकी गांव के लिए जाएगी, और परसों फ्यूलानार जी के कपाट बंद होंगे, उसी दिन जो है 2 दिन का मेला चलेगा। तो उसके विशिष्ट अतिथि होंगे उर्गम घंटाकरण, और वो जो हम कहते हैं कि नंदा बुला के वो लोग लाते हैं। तो इसलिए जो है ये मेला एक बड़ा जो है सामूहिक मेला है। अच्छा, हम देखते हैं कि जो कुरुड़ घाट की तरफ से डोली लेके चलते हैं नंदा मैया की, यहाँ डोली नहीं चल रही है, छतोली चल रही है, और कंडी में जी हमारे यहाँ पर ऐसा है कि जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, क्योंकि ये रास्ता बहुत जहाँ आज भी हम गए वो बहुत भीड़ है, माने 16,000-17,000 फीट की ऊंचाई पर हम लोगों को जाना पड़ता है, और एक अनुमान से जाना पड़ता है, मैंने ऐसा नहीं कि कोई रास्ता बनाया है, किसी ने रास्ता बनाया है। तो सुविधा के लिए हमारे लोगों ने क्या किया कि एक ही कंडी में 3 प्रतिमाएँ हैं भगवती की, एक में नंदा है, एक में सुनंदा है, और एक में दाणी देवी है, जो हमारे ऐसी मान्यता है कि जो हमारा जो पूरी जो यात्रा चलती है इसको कंट्रोल करने वाली, इस रथ के जो है स्वार्थी, यानी कि एक प्रकार से कहें कि उसको संभालने वाली देवी है, और नंदा तो है ही, सुनूल देवी तो है ही, और इसके साथ जो है कि जो इस पूरी क्षेत्र की रक्षा करने वो क्षेत्रपाल घंटाकरण जी, उसके हम लोग छड़ी जैसे लाते हैं नीचे यहाँ तक जो चांदी की छड़ी होती है, परंतु यहाँ से हम उनके कटार ले जाते हैं, क्योंकि वो भी एक भारी है, उसको ले जाने में कठिनाई होती है। तो जो हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान रहा होगा वो उनका यही सोच रही होगी कि वो उसको 3 डोलियों को ले जाने में कठिनाई होती, फिर छः आदमी लगेंगे, और इसमें जो है एक ही आदमी ले जा रहा है। अच्छा, फ्यूलानारायण भगवान की क्या स्टोरी है इस जगह की? देखे, जो हमारे लोग लोगों की जो लोग अपनी जनश्रुति के अनुसार तो ये है कि ये मूल स्थान तो नंदा का वैसे और सुनूल का है। नारायण जी के बारे में ये बताते हैं कि बाद में लोगों ने स्थापित किया है, परंतु हम जब इतिहास को खंगालते हैं और केदारखंड स्कंद पुराण पढ़ते हैं, उसमें एक जगह वर्णन है कि जब देवराज इंद्र जो है स्वर्ग से आ रहे थे, तो दुर्वासा ऋषि ने जो है कि उनको एक माला बनाई, और जो इतनी दिव्यता थी कि उसमें भौरे गुंजायमान थे, तो ऐसे कहते हैं कि मेनका नाम की जो अप्सरा थी वो फ्यूला नारायण से में उसने माला बनाई थी,
तो इसका मतलब नारायण का स्थान पहले से रहा। फिर दूसरे में नारायण और शिव का बड़ा महत्व है इसमें, क्योंकि जो पंचकेदार का जो कल्पेश्वर का जो मंदिर है उसके शीर्ष यानी कि भगवान की जटा के ऊपर ये भगवान फूलनारायण जी का मंदिर है। तो शिव के जो है इष्ट देव जो है नारायण है और नारायण के इष्ट देव शिव है। तो इसीलिए मेरा अपना मानना है कि यह स्थान कुछ लोग कहते हैं बाद में ये ना ऐसा नहीं रहा होगा, जब बद्रीनाथ की यात्रा शंकु मार्गों से होते हुए जाती रही होगी तो ये भी एक बहुत बड़ा पड़ाव रहा होगा और यहीं से ग्लेशियर से होकर के नीलकंठ जाते थे होंगे और वहां से बद्रीनाथ पहुंचते होंगे। महिलाओं की क्या विशेषता है इस मंदिर से जुड़ी हुई? यहाँ पर मैं उन पूर्वजों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज महिला सशक्तिकरण की बात आज कर रहे हैं आज के समय में, परंतु हमारे लोगों ने कितने पहले सोचा होगा कि महिलाओं को भी समानता का दर्जा दिया जाए। यहाँ पर नारायण की जो श्रृंगार करने का अधिकार है, फूल लाने का अधिकार है, पूजा करने का अधिकार, आरती करने का अधिकार है, वो महिलाओं को है। और यहाँ पर जो है कि 5 साल से लेकर 9 साल या 10 साल की कन्या और 50 साल से लेकर के ऊपर महिलाएं जो है यहाँ पर नारायण जी का जो है हर साल जो है आकर के श्रृंगार करती है। फूलनारायण पूरा जो बनाई का इलाका है वो दिव्य स्थान है और यकीन मानिए कि जो नंदा देवी है पूरे गढ़वाल और कुमाऊं की एक इष्ट देवी तो है ही, अधिष्ठात्री देवी है, लेकिन पूजा हर साल अपने अपने इलाकों में होती है और यही सब जब जुड़ती हैं 12 साल या उससे अधिक समय में तो फिर वो नंदा देवी राजजात के रूप में एक बड़े विश्व रूपी जो मेला है 280 किलोमीटर की राजजात जब शुरू होती है तो उसमें दिखाई देता है। उसमें सभी इलाकों की डोलियाँ शामिल होती हैं, अलग अलग इलाकों की, कुमाऊं से, गढ़वाल से, और वो मेला देखने लायक होता है। लेकिन उस मेले को आधार बनाती हैं ये छोटी छोटी जो हमारी स्थानीय घाटियों की जात है। भनाई से जो स्थानीय लोग हैं वो चतुरी लेकर मानंदा को बुलाने जाते हैं और फिर वहाँ से मानंदा यहाँ पहुँच चुकी है फूलनारायण मंदिर में। फूलनारायण मंदिर में आज मानंदा के लिए भोग लग रहा है और भोग लगने के बाद यहाँ से जो गांव है भरकी गांव वहाँ पर सभी लोग पहुँचेंगे और फिर अगले दिन नंदा जो उत्सव है उसका आयोजन होता है। इस जगह पर जहाँ पर है यहाँ पर अक्सर पिछले 2 दिन से हम रुके हुए हैं, बाघ की गुर्राने की आवाज़ आ रही है। सुबह भी बाघ की गुर्राने की आवाज़ आ रही है, पीछे जंगल है। फूलनारायण जहाँ पर है वहाँ चारों तरफ जंगल है और इसी जंगल में बाघ हमेशा गुर्राने की आवाज़ आती है। और जब भनाई से मानंदा की जो छतोली है वो यहाँ पहुँचती है जब बुलाने जाते हैं तो उसके बाद ये आवाज़ हर साल ज़रूर सुनाई देती है। स्त्री होती है और जब पत्नी का स्वरूप होता है तो बाई तरफ होता है, ऐसा माना गया भगवान नारायण के चतुर्भुज को।
साता पाचा बैणा पै हरे कुंजो साता पाचा बैणा पै हरे कुंजो साता पाचा बैणा पै हरे कुंजो साता मैं वही हरे कुंजो मैं वही को लाड़िया पै हरे कुंजो मैं वही को लाड़िया पै हरे कुंजो जो रोते लागू माओ बे हरे कुंजो रोते लागू माओ बे हरे कुंजो पहले तो मैं ये पहली बार था जब मैं देवकारे से गया हूँ ऊपर बनाई की ओर। इससे पहले मैं दो बार चले चुका हूँ एज ए ट्रैक के तौर पे। घूमना फिरना अच्छा लगता है इसलिए मैं पहले भी दो बार चले जा चुका हूँ और इस बार छतोली की बारी हमारी थी और काफ़ी टाइम बाद आई थी, तो इस वजह से मैंने कहा यह अवसर को नहीं छोड़ना है तो इस बार मैं आया था। रास्ता ठीक था ऊपर और मौसम ने साथ दिया? हाँ, इस बार रास्ते ने साथ दिया। इससे पहले मैं जब दो साल लगातार पहले जा चुका हूँ तो काफ़ी बरसात हुई थी उस टाइम पे, पर इस बार भगवान जी की कृपा थी कि मौसम एकदम बढ़िया था। और रास्ता की जहाँ तक बात है कि रास्ता काफ़ी कठिन है, आधे रास्ते तक खड़ी चढ़ाई है पूरी और एकदम फिसलन वाला है क्योंकि पेड़ों की छाल छूल गिरी रहती तो इस वजह से, और जैसे ही बुग्याल स्टार्ट हो जाता है उसके बाद पूरा घास और घास है, तो उधर ज़्यादा कठिनाई तो नहीं होती पर चढ़ाई में तो होता है थोड़ी बहुत। ये बात कामास कैलाश ली जला सजदा जी के
हाँ जो छोटी जात गए वो यहाँ मैनाव खाल में होते वो जात, और यहाँ से वहाँ से नंदा को बुला करके यहाँ लाया जाता है। और परसों दसवीं को यहाँ से जो है कि भर के मैं एक मेला होता है इसी नंदा के उसमें, छोटी जात के उसमें, और बड़ी जात में तो नंदी कुंड में जाते हैं और पाँच दिन का आना जाना होता है उसमें। जो इस जात में जाते हैं कितने गांव के छतोलिया जाती है? ये पूरी तीन ग्राम सभा की, तीन दो पाँच ग्राम सभा की छतोलिया जाती है। ये लानी थाना हो गया, उर्गम हो गया, देवग्राम हो गया, भरके हो गया, और बैठक ग्राम सभा पाँच ग्राम सभा। माँ नंदा देवी गढ़वाल और कुमाऊं की अधिष्ठाती देवी है और अलग अलग क्षेत्रों में इनकी पूजा होती है, और खास तौर पे इस महीने में माँ नंदा को बुग्यालों में पहुंचाया जाता है। लेकिन पहाड़ की नारी के रूप में अगर आपको माँ नंदा बेटी बहू और माता के रूप में देखना है तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो माँ नंदा का एक तरीके से प्रतिबिंब है। इन्हीं महिलाओं में हम झलक पाते हैं इस एक तरीके से बेटी की, बहू की और माताओं की। इसीलिए पूरे पहाड़ चाहे गढ़वाल या हो या फिर कुमाऊं हो, देवी जहाँ पूजी जाती है वहाँ धन धान्य और जो संपन्नता है वो हमेशा बनी रहती है, और इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उर्गम घाटी की सोनुल नंदा की जात आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंदा राजजात आगे भी जारी रहेगी जो लोकजात है। इसके बाद हम आपको सीरीज़ दिखाएंगे जो लाता की 12 साल बाद लोकजात होने जा रही है। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। पिताजी हे मानता जय जय बोला, पिताजी हे मानता जय जय बोला, माता मैणावती जय जय बोला, माता मैणावती जय जय बोला, जय जय बोला तेरो थाना कबीलासा, जय जय बोला तेरो थाना कबीलासा, जय जय बोला, जय जय भोला जय नंदा भवानी, जय जय भोला ते नंदा भवानी, जय जय भोला, जय जय भोला ऋषियों की दियाना, जय जय भोला ऋषियों की दियाना, जय जय भोला जय नंदा भवानी, जय जय भोला जय नंदा भवानी, जय जय भोला तेरी जाता जोला, जय जय बोला तेरी जाता जोला, जय जय बोला जय नंदा भवानी, जय जय बोला जय नंदा भवानी, जय जय बोला अष्टमी की तिथा, जय जय बोला अष्टमी की तिथा, जय जय बोला जय नंदा भवानी, जय जय बोला जय नंदा भवानी, जय जय बोला।